So guys, we have finally reached inside the city of Gorakhpur. रोशनी आ चुकी है हमारे को। ये मेरे घर के आगे का हाल है। सड़क पूरी खुद चुकी है क्योंकि ये बनने वाली है फिर से, और ये बहुत सालों बाद बन रही है। बट प्रॉब्लम है कि इसी बीच में बारिश हो गई और सामने इसकी वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया। ये रोड ही बजरी गिराई जा रही है। लेफ्ट साइड में जो है उधर सही हो चुका है, राइट साइड में इधर काम चल रहा है। मुझे लगता है आज से आना जाना भी इधर से ब्लॉक हो जाएगा जब ये खुद जाएगा। ये तो होगा। मैं बहुत दिनों से कुछ भूखा अपने आप को महसूस कर रहा था। मैं सोचा कि वो ना कुछ शॉपिंग वगैरह की जाए, मगर आज के जमाने में पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ नहीं बढ़ी हैं, मटरी की भी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। गाइस एक छुटकू सा पैकेट, आप एक्सपेक्ट करो कितने का होगा। ये रेट ही नहीं लिखा होगा, 10-20 रुपए। 10-20 रुपए का कितने का मालिक? 35 रुपए। इतना महंगा मटरी का पैकेट दे रहा है गाइस, बताइए इस पे क्या करना चाहिए? और क्या क्या तुम्हारे कलेक्शन में? हमारा फटा चिटा बटुआ। भाई साहब यार टॉफी दे दो 5 रुपए की। ये लो तुम भी टॉफी खाओ, तुम भी टॉफी खा सकते हो अगर चाहो तो। हम भी टॉफी खा लेते हैं, तब तक कैमरा बंद कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे लकड़ियों से खाने का तरीका दोस्तों। इन्हें पहले ऐसे फसाया जाए। अरे यार गलत हाथ में पकड़ ले, हट रे। अबे तुझे मारी जा। बहुत सही, ये दांत ही साफ करने के लिए सही है। इसको ऐसे लेने का, इसमें डिप करने का, बहुत पाप मिलेगा तुमको। पेट में जाने के बाद सब अच्छा लगता है भैया। कितने बजे? 12:28 हो रहा है। इसमें गर्मा गर्म लाल लाल चाय हमारे सामने हाजिर है। ये मसाला ली चाय यार। So guys, we have finally reached inside the city of Gorakhpur after lots of mashakkat. धूम 3 का शूटिंग हो रहा था लग रहा है। ओ ओ ओ ओ कितना कर लिया रे बाबा। यहीं पे आना है क्या? Guys, I'm inside a huge and beautiful mosque. 1 minute. This is one of the biggest mosques which I have seen in my life after a Muse mosque. जिंदगी में ट्रिप्स लेना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रोजाना आप ट्रिप ही लो, निकल जाओ घर बार छोड़ के एकदम, मतलब छोटे मोटे ट्रिप्स। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? बिकॉज अल्लाह सेज इन द कुरान, घूमो फिरो देखो दुनिया जहां, गौर करो फिक्र करो करते रहो तारीफे बयां। इट विल हेल्प यू बूस्ट योर ईमान। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम फिट जस्ट लाइक यू आर हैविंग गुड खान पान। हियर फाइनली एट योर सर्विस एन खान। शुक्रिया शुक्रिया। आज मैं जिस जगह पर हूँ ये जगह काफी अल्फाज की कमी हो गई है दोस्तों फिर से, मगर ये जगह पे मैं आज 4-5 साल पहले बहुत आया करता था। अक्सर करके लोग बाहर निकला करते हैं धूप वगैरह खाने के लिए, मगर हम भीड़ से अलग होकर काम करने वाले लोग, हम यहाँ पर आए हैं धूप खाने के लिए? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर आए रेडिएशन खाने के लिए। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा सा टावर है 1, फिर यहाँ पे दूसरा टावर है 2। नाउ इट्स टाइम टू बी सीरियस गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने दिनों से 18-20 दिनों से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाया, ऐसा लग रहा है कितने अंधेरे में मैं था, मगर आज फाइनली हमारे जिंदगी में रोशनी रोशनी आ चुकी है। फिर से जिंदगी में अंधेरे हैं। आकाश
मैं यौन चेला पुटिंग में झमेला। अब जब तुमने मुझे किडनैप कर ही लिया तो बताओ कितना रकम मांगता है तुमको? तीन। तीन खोखा? तीन सवाल। तीन सवाल? किस टाइप के सवाल करना चाहते हो तुम हमसे? पता नहीं। सवाल के जवाब तो बाद में आएंगे, उससे पहले मेरा सवाल है यहाँ के लोगों से, क्या लिख कर गए ये लोग? अनुशासन ही राष्ट्र का प्राण। प्राण बताइए क्या स्पेलिंग सही है? नहीं। कुछ और अनोखी चीजें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मगर यहाँ पे कुछ और लिखा, ये देखिए, जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसका मतलब आप समझ गए, जब तक गला दबाई नहीं तब तक हथवा ढिलाई नहीं। अपने किडनैपर के सवाल के जवाब का देने का वक्त का पता नहीं क्या क्या, किडनैपर हमें पता नहीं कौन से स्थान पर लेकर जा रहा है। साथ अकेला मुझे छोड़िएगा, चुपचाप बैठ। सस्ता किडनैपर मेरे को किधर लेकर आया है? कौन से वो तीन सवालात हैं तुम्हारे? भूल गया बे यार फकीर आदमी। तुमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि तुम्हारा फोन फ्लैश हो गया, तो कैसे हो गया ये? बहुत दुखद घटना है दोस्तों। ये हुआ यूं कि मेरे दुकान पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझसे लोग फोन पे फोन मांगा करते हैं। मैंने अपना जो है न्यूमरिक वाला पासवर्ड जो था बदल के अल्फा न्यूमरिक कर दिया। क्या उस वक्त तुम भी तो थे मेरे साथ? और फिर एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, आकाश को फोन दे रहा था कि लेकर जाओ, हॉटस्पॉट से इसके कनेक्ट किया था कि फोन लेकर अपने घर पे जाओ तब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मैंने इसको पासवर्ड बताने के लिए डालना शुरू किया, खुद ही पासवर्ड मैं भूल गया। हालांकि वो पासवर्ड मैं रोज डालता था, फिर भी उस दिन मैं भूल गया, मेरा फोन ही डिसेबल हो गया। 5-6 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा के पूरा फोन साफ, सारा डेटा चला गया, व्लॉग चला गया। दूसरा सवाल पूछो। ये बताओ तुम अभी करते क्या हो, मतलब क्या काम करते हो? चलन करते हैं लोग हमारी अंग्रेजी से। मैं जो है सैमसंग मोबाइल फोन के ब्रांड को हिंदी में क्या बोलते नहीं पता, प्रोत्साहक का काम करता हूँ, प्रमोटर का काम करता हूँ, प्रोत्साहक का। सीधे सीधे बोले, आई वर्क एज अ ब्रांड प्रमोटर फॉर सैमसंग स्मार्टफोन्स। फिर हिंदी में तुम बोल रहे हो, अरे मतलब इंग्लिश में बोल रहे हो। यही होता है एक्टर की परेशानी, ये गला दबा के मारने भी लगते हैं। तीसरा सवाल पूछो हमसे जल्दी से। फिर भूल गया। हाँ तो सवाल पूछो जो अभी मैंने कैमरा बंद करके तुमको बताया है। तुम कम्युनिटी पोस्ट तो अबे सवाल ये था कि तुम बार बार टारगेट देते। अच्छा, हो हाँ, क्या एक्टर बने करे तू? पूछो सवाल। तुम टारगेट तो देते हो पर वीडियो नहीं डालते। अभी तो बताया यार, सारा डेटा मेरा वाइप आउट हो चुका था। वो तो ठीक है, वो फोन फॉर्मेट हो गया था, वो तो उससे पहले भी तो वीडियो नहीं आती थी। उससे पहले मैं डालता था वीडियो, हफ्ते हफ्ते में एक डाल देता, क्योंकि वक्त नहीं मिलता। 10-8 की जॉब है, उसमें वक्त मिलता नहीं, इसलिए वीडियोस लेट में आती। बट जैसे ही मैं यहां से प्रस्थान करूंगा, अपने होम टाउन से निकलूंगा, वक्त वक्त पर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तब तक जुड़े रहिएगा, हम आपको ताज़ा खबरें देते रहेंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में। तब भी नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। खैर, नॉट टाइम टू एंड दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मेरा आउटरो बोल के तुम दिखाओ तो सब्सक्राइब। बट सो गाइस, नॉट टाइम टू एंड दिस व्लॉग, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा टारगेट पूरा कीजिएगा, अगस्त एंड होने वाला है, मेरे 2500 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। मैं व्लॉग्स रोजाना डालने की कोशिश करूंगा। ये मोहतरमा को क्या तकलीफ है भाई? फिर से देर आ गया हमारी जिंदगी में। ये अम्मा आईला, इतने देर बाद टोपी निकाल लिया तू? किसकी शामत आई है? अरे आकाश, मैं आ रहा हूँ कि नहीं?